सपोज आपको एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें क्या होगा कि कोई भी गिवन जो नंबर रहेगा जैसे 3, 2, 1, तो ये रिवर्स होके इसका जो आउटपुट है 1, 2, 3 हो जाए। 7, 5, 4, 8 अगर दिया है तो इसका आउटपुट 8, 4, 5 आ जाए। तो इस प्रोग्राम को मैं 3 पार्ट में बताऊंगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा अप्रोच किस तरीके से होगा कि हम जो नंबर है उसको रिवर्स कर सकें। देन मैं कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे लिख दूंगा और उसको ड्राई रन करके शो करूंगा कि आपको पता चले कि किस तरीके से कंट्रोल किस तरीके से फ्लो हो रहा है और हमें आउटपुट जो ये नंबर जनरेट हो रहा है कैसे हमारा नंबर जो है फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर 3, 2, 1 दिया तो ऐसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो कैसे ये नंबर जनरेट होगा वो मैं पहले ड्राई रन करके दिखाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। जब आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा देन यहाँ पे जो प्रोग्राम रहेगा मैं उसको कंप्यूटर पे रन करूंगा और उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो जो पहला पार्ट होगा कि कोई भी नंबर दिया गया तो उसके डिजिट को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर लेते हैं जैसे 734, तो इसके डिजिट को हमें क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे नंबर लिया मैंने और इसको 10 से मैं डिवाइड करता हूँ, ओके। तो अब हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1070 एंड देन 3 देन 4 3 एंड देन यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे आ गया 4, ओके 7 3 34 34। देन ये जो क्वेश्चन आया ना इसको हम दोबारा से लेते हैं और इसको फिर 10 से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 10 से डिवाइड किया यहाँ पे 70 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ओके। फिर ये जो अभी जो वैल्यू आया 7 इसको दोबारा से लेते हैं और इसको भी हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो नंबर है बिगर है इससे 7 से, तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा वो 0 हो जाएगा। तो 10 × 0 = 0 यहाँ पे और जो रिमाइंडर होगा वो 7 हो जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि 437 हमारा सेम डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया है एज अ रिमाइंडर, ओके। तो जो हम नंबर जो हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका वो ये है कि हम एज अ रिमाइंडर लेंगे नंबर और उस सारे को हम रखेंगे। मतलब हमें बस ये पहला जो स्टेप है हमें ये पता चल गया कि हमें कैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं। दूसरा इसमें जो नंबर है कि पहले 734 था बाद में ये जो 73 हो गया देन 7 हो गया, यानी कि एक जो यहाँ से डिजिट है वो मतलब डिस्कार्ड हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, यानी कि हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका एक डिजिट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और मोर अप्रोप्रिएट होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को, ओके। तो अब ये जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम पहले उसका डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यानी कि डिजिट एक्सट्रैक्ट। एंड जो सेकेंड स्टेप वो ये होगा कि डिवाइड द नंबर बाई 10। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है वो ये कि अगर हमारे पास जब डिजिट कोई दे रहा है तो उससे नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल हो कि अगर किसी ने आपको नंबर दिया 1, ओके, फिर उसने एक नंबर दिया 2, आपने यहाँ पे रख दिया। तो इस केस में ये क्या हुआ, यानी कि जो पहला वाला जो एग्जिस्टिंग नंबर था ना और ये इस पे हमने अगर 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहला वाला था उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो गया और ये जो डिजिट हमने रखा वो ऐड हो गया, यानी कि 1 × 10 + 2 = 12 हो गया। एक और डिजिट हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो जो एग्जिस्टिंग है इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 हो गया और प्लस 3 123 नंबर फॉर्म हो गया। अब एक और डिजिट यहाँ पे रखते हैं 5, तो उस केस में जैसे यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3 यानी कि इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 1230 और उसके बाद प्लस 5 यानी 1235। तो ये आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट रहेगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और जो नया वाला डिजिट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। जैसे 2 और 3 दिया किसी ने, बोला कि इसे नया एक नंबर फॉर्म करो, तो हम ये जो एग्जिस्टिंग नंबर है 2 × 10 + 3 कर लेंगे तो हमारा 23 हमारा नंबर फॉर्म हो गया। तो ये 3 स्टेप जो होगा एक हमारा जो नंबर फॉर्म करने के लिए, तो वो एक क्या होगा एग्जिस्टिंग जो हमारा डिजिट होगा मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस न्यू जो डिजिट है वो हम कर लेंगे। तो ये 3 स्टेप जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा लॉजिक बिल्डिंग था वो ये था कि यही हमें अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने हैं। तो अब मैं कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे हमारा जो एक एग्जिस्टिंग नंबर है उसे कैसे एक नया उसका रिवर्स नंबर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया है, यहाँ पे जैसे इंटीजर नम डिजिट रिवर्स, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने नम लिया, दूसरा एक डिजिट लिया डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नम एग्जिस्टिंग नया जो भी यूजर देगा उसको स्टोर करने के लिए, और एक नया वेरिएबल जो हमने रिवर्स लिया, रिवर्स में मैंने 0 असाइन कर दिया। कई बार होता है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाते हैं, तो ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू इसमें ना आए, नहीं तो हमारा रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर एनी नंबर देन स्कैन, वो नंबर जो है
स्टोर होके नम में स्टोर हो जाएगा जो भी नंबर यूजर देगा। देन यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन नम इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जितनी देर तक नंबर जो की जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये इसके अंदर का लूप जो है, इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिट, तो डिजिट में हम क्या करें कि यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर यूज करें। मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है कि कभी भी हम किसी इंटीजर वेरिएबल टाइप पे यूज करते हैं तो उसका जो एक्सट्रैक्ट कर जो डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। यहाँ पे हम रिवर्स में कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग वाले में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस जो नया वाला डिजिट आया वो ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद जो नंबर है जो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था क्वेश्चन में उसको हम 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले वाला जो नंबर आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा, और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक नम जो है ग्रेटर देन जीरो ये फॉल्स ना हो जाए, और जब ये ख़त्म होगा तो बाहर आके हम प्रिंट कर दे रहे हैं जो भी वैल्यू हमारा रिवर्स में स्टोर है। यहाँ पे मैं व्हाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको आना चाहिए कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। नहीं अगर आपको पता है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। देन यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर है, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन सब का कैसे वर्क होता है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है, वो भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो हर एक लाइन है जो अभी मैं जितना लिखा हूँ वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है हर एक लाइन का क्या यूज़ हो रहा है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करके देता है, और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर इसका वर्क क्या होता है ना कि इसके राइट साइड में जितनी जो भी कैलकुलेशन रहेगा स्टेटमेंट रहेगा जो भी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और वो सारे ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले में असाइन हो जाएगा। तो अब एक नंबर लेते हैं, जैसे एक यूजर ने नंबर दिया 675, तो अब आप देखोगे कि 675 में ये कैसे 576 बन रहा है। ऐसे प्रोग्राम तो रन करेगा लेकिन आपको क्या पता कि ऐसा प्रोग्राम रन कर गया सही पता है, लेकिन अभी भी आप देखोगे जब ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि कैसे अपना नंबर फॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपको एकदम फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि हर एक स्टेटमेंट कैसे यूज हो रहा है। तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी यूजर से जब नंबर मिला 675 तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, नम में। तो ये आ जाके यहाँ पे नम में 675 स्टोर हो जाएगा। एक जो दूसरा जो मैंने वेरिएबल लिया है डिजिट लिया है, और एक जो लिया है मैंने रिवर्स लिया है। डिजिट में हमें नहीं अभी कुछ भी है, वो गार्बेज कुछ भी हो सकता है नहीं पता, और जो रिवर्स में है हमारा कितना है जीरो है। अब यहाँ पे आएगा कंडीशन और ये चेक करें कि नम इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो नम की वैल्यू कितनी है 675 है, तो ये क्या ग्रेटर देन जीरो है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली लाइन आएगी इसके बॉडी में और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जो नम की वैल्यू है 675 है मॉडुलो 10, तो ये क्या करेगा इसका जो एक डिजिट होगा लास्ट वाला वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, तो यानी कि वो कितना होगा 5। तो ये जो वैल्यू है कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी डिजिट में, तो ये जो वैल्यू अब जो भी होगा उसका अपडेट होकर कितना आ गया 5 हो गया। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें अभी मैंने बताया कि पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी क्योंकि अगर कुछ भी ऑपरेशन रहेगा तो रिवर्स में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू 10 कितना होगा 0 इंटू 10 0 प्लस डिजिट, डिजिट में वैल्यू कितना है 5 है, तो ये जो 0 है ये अपडेट होके हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके तो आप देखोगे फॉर्म हो रहा है नंबर अपना। नेक्स्ट जो लाइन है ये नम, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, ये क्या कर रहे हैं कि हम एक डिजिट जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसे गायब कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि इंटीजर वेरिएबल टाइप यूज कर रहे हैं तो एक डिजिट वहां से गायब कर देगा क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी ये करने के बाद जो 675 है ये पहले ये वाली इधर वाली एग्जीक्यूट होगी, 675 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 67, और दोबारा से उसी पे अपडेट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, और दोबारा से यहाँ पे आएगा फिर चेक करेगा कि व्हाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो, तो अभी नम कितना है 67, कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर यहाँ पे डिजिट आएगा, डिजिट में क्या होगा नम मॉडुलो 10, तो इस बार नम कितना है 67, मॉडुलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, फिर ये क्या करेगा एक डिजिट देगा, तो डिजिट ये कितना देगा 67 मॉडुलो 10 यानी कि 7 दे देगा, 7 आगे किस में स्टोर हो जाएगा डिजिट में, डिजिट कितना है 7 है। अब क्या होगा रिवर्स, रिवर्स में एग्जिस्टिंग वैल्यू अभी कितना है 5 है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 हो गया, प्लस डिजिट, डिजिट कितना है 7 है, तो 5 50 प्लस 7, तो ये कितना अपडेट हो जाएगा 57 हो जाएगा। देन नम, नम में वैल्यू कितनी है 67, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एक डिजिट गायब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा।
फिर ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि नम इज ग्रेटर देन जीरो, नम की वैल्यू अभी कितनी है 6 है, 6 इज ग्रेटर देन जीरो, यस ये भी कंडीशन ट्रू है, दोबारा से इसके अंदर आएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नम मॉडुलो 10, तो इस बार क्या आएगी नम कितना है 6 मॉडुलो 10, तो इस बार जब हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा और जो क्वेश्चन होगा वो जीरो हो जाएगा, तो जो रिमाइंड डिजिट है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो जो डिजिट है यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। एंड रिवर्स में अब यहाँ पे रिवर्स में कितना है 57 है, 57 इंटू 10 कितना हो गया 570 प्लस डिजिट, डिजिट में वैल्यू कितना है 6 है, तो ये वैल्यू ये अपडेट हो जाएगा 576, ये वाली गायब हो जाएगी। अब उसके बाद नम, नम इज इक्वल नम डिवाइड बाई 10, तो अब इस नम को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन था जो लास्ट वाला स्टेप बताया था तो उसमें वाला वो स्टेटमेंट था, जैसे 10 हो गया और यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या है ऑलरेडी छोटा है इससे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि जो क्वेश्चन होगा जीरो आ जाएगा, 10 इंटू जीरो क्या 0, और ये जो वैल्यू आएगा 6 आएगा, तो ये जो वैल्यू आ रहा है तो 6 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 6 अपडेट होकर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा फिर चेक करेगा कि नम इज ग्रेटर देन 0, तो इस बार जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी क्योंकि नम इज इक्वल टू 0 नॉट ग्रेटर देन 0, तो इस बार ये जो बॉडी का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा और फिर जो भी रिवर्स में वैल्यू है वो हमारा प्रिंट कर देगा, तो जो वैल्यू हमारा है आउटपुट में वो क्या आ जाएगा 576, 675। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है, हमारा जो नंबर है 675 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 576 में, कोई भी नंबर ले लोगे 87532, ये सारा एकदम सिमिलर वे में होगा, मैंने इतना इसलिए नहीं लगा कि बार बताना सेम चीज़ है बिना मतलब का वक्त लगेगा। अब सेम प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रन करता हूँ और उसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं। अब मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ, एक नया फाइल मैं कंट्रोल शिफ्ट एन से लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ रिवर्स डॉट सी के नेम से, हैश इंक्लूड stdio.h देन मेन एंड लास्ट लाइन प्रिंट करते हैं द रिवर्स नंबर इज परसेंट डी एंड रिवर्स। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। ओके तो प्रोग्राम रन कर रहा है, अब एंटर करता हूँ नंबर, फिर देखते हैं आउटपुट, मैंने 564 दिया। ओके तो द रिवर्स नंबर इज 465, वाओ अपने प्रोग्राम सही से आउटपुट दे रहा है। दूसरा इनपुट देके देखते हैं एक और बार, तो यहाँ पे नंबर दिया 87543, तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए क्या आएगा 34578। ओके 34578, ओके तो अपना नंबर रिवर्स हो रहा है। अब मेरा ख्याल है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, तो अब आपको कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद से भी राइट कर सकते हो।